नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात देश की राजधानी के नगर निगम में मचे घमासान की। एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक बार फिर से टल गए। भारी हंगामे के चलते एमसीडी सदन की कार्रवाई फिर स्थगित हुई। आम आदमी पार्टी अब मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बीजेपी की पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने आज सदन में कहा कि मनोनीत पार्षद वोटिंग करेंगे और उन्हें मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी तीनों के लिए वोटिंग का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ ही होंगे। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। पीठासीन अधिकारी के इस ऐलान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप अब लगा रहे हैं। आइए सुन लेते विजेंद्र गुप्ता नेता बीजेपी और दुर्गेश पाठक नेता आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है और हमारे पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। कल से ही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कल शाम को कह रही थी कि 20 काउंसलर जो है वो आम आदमी पार्टी के बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सभी मीडिया वालों को ये खबर प्लांट हुई थी कल। आज जब पता चल गया कि एक भी नहीं जा रहा तो सुबह नई कहानी लेके आ गए कि हमारे पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने, वो कहते हैं ना कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और एक वो भी है कोई पता नहीं कितनी चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो वो बीजेपी वालों के हाल हैं। थोड़ी शर्म करो यार, तुम्हें जनता ने विपक्ष में मौका दिया है, विपक्ष में बैठो यार, काम करो। देख सकते हैं दो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन इससे दिल्ली की जनता प्रभावित होगी क्योंकि जो मेयर है उसका चुनाव नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों को चुनाव जिनका होना है वो जो प्रशासन के लोग हैं उनको नहीं चुना जा पा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। संजय सिंह राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं बताया जा रहा है, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गए महेश वर्मा बीजेपी के भी जुड़ेंगे। संजय जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि देखिए दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, एमसीडी में आप लोगों की बहुमत है, बहुत दुखद है कि बार बार ये मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है, कैसे समझाएंगे आप लोगों को? देखिए निधि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने एक जनादेश दिया, जो जनादेश सबके सामने है। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 135 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 104 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। यानी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से खत्म किया। इसके बाद मेयर का चुनाव होना है, उसके लिए एक पीठासीन अधिकारी बनाई गई और उस पीठासीन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई कि आप मेयर का चुनाव कराएंगे। आज क्या हुआ जो पूरे देश ने देखा, पहले दिन से हम लोग ये बात कह रहे थे कि ये लोग मनोनीत सदस्यों का वोट कराना चाहते हैं, मनोनीत सदस्यों का वोट कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार भी हमारी बात को नहीं मान रही थी, कभी भी कैमरे पे आकर उन्होंने नहीं कहा कि हमारे आरोप सही हैं। आज वो आरोप सही साबित हुए। कब? जब पीठासीन अधिकारी आती हैं, वो कहती हैं कि यहां पर जो चुनाव होगा उसमें मनोनीत सदस्य भी वोट देंगे जो डीएमसी एक्ट के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। अब निधि जी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तो भारत का संविधान लिखा नहीं जाएगा, एलजी साहब के घर पे तो डीएमसी एक्ट बनेगा नहीं, जो लिखा है वही फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी महोदया की जिम्मेदारी थी मेयर का चुनाव कराने की। आगे का चुनाव मेयर कराता है, डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। वो आते ही कहती है कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, जो एजेंडा में ही नहीं था। यानी कि जो एजेंडा एलजी साहब के द्वारा निर्धारित किया गया आज की मीटिंग के लिए, उसमें था कि मेयर का चुनाव पीठासीन अधिकारी कराएंगे और वो कह रही है तीनों चुनाव में आपको एक साथ वोटिंग करना है। अब इसके आगे आ जाइए, वो कह रही है दो विधायक बाहर जाओ, इन पे सजा हो गई है, उनकी सजा पे कोर्ट से स्टे है, उनको विधानसभा अध्यक्ष ने मनोनीत किया है।
वो आज भी विधायक हैं, विधायक के तौर पे उनके जो विशेषाधिकार है वो सुरक्षित है, आप कह रही है बाहर जाओ सदन से। तो ये लोकतंत्र का एक माहौल और ये बहुत ही खतरनाक परंपरा शुरू कर दी बातें संजय जी। लेकिन इसका कार्ड क्या है, आप भी चुनाव हारेंगे, विधानसभा में हारेंगे, सीएम नहीं बनने देंगे, लोकसभा में हारेंगे, पीएम नहीं बनने देंगे, एमसीडी में हारेंगे, मेयर नहीं बनने देंगे। ठीक है, मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ये हुआ आपके सामने, आप आरोप लगाए, मैं अभी बाद में महेश वर्मा के पास जाऊंगी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ अब आगे आपकी रणनीति क्या होगी, आपको कब लगता है कि दिल्ली को एक मेयर मिल जाएगा, क्या रणनीति आप लोगों की, क्या रणनीति है? तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां का मेयर नहीं बनने दे रही है। आज आपने वीडियो देखा होगा, हमारे सारे सदस्य, विधायक, सांसद, पार्षद, हम लोग शांत बैठे हुए थे अपनी जगह, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि पूरा देश इनके कारनामे को देख ले, इनकी असलियत जान ले, ये मनोनीत सदस्यों का कैसे संविधान और डीएमसी एक्ट का गला घोट के वोट कराना चाहते हैं, ये भी लोग देख लें। और अच्छा हुआ आज कि पूरे देश को कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी तस्वीर दिखाई पड़ गई भारतीय जनता पार्टी की। आगे का कदम सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम कहेंगे कि हमें पहले तो वोटर लिस्ट दी जाए, कोई भी चुनाव होता है उसकी वोटर लिस्ट मिलती है, हमें वोटर लिस्ट दिया जाए, कौन कौन से लोग वोटर हैं, कैसे किस आधार पे मनोनीत सदस्यों को वोट कराया जा रहा है, जब डीएमसी एक्ट और संविधान में उनके वोट का राइट नहीं है, ये सारी चीजें न्यायालय के सामने। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में वोटिंग हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे, क्योंकि मैं महेश जी के पास जाऊंगी, वो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इससे ये चुनाव अब बहुत खिंच गया है और समय इस पे लग जाएगा, जो कदम मेयर को उठाने हैं, जो डिप्टी मेयर को जो तमाम काम करने हैं, वो उसमें और समय लगेगा? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दिल्ली को मेयर मिलने में बहुत विलंब हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और किस तरह से बीजेपी जहां पे चुनाव हारती है, सरकारों को गिराने का, विधायकों को खरीदने का काम पहले भी करती रही है, वही प्रयास वो यहां पे भी करना चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े संजय जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप चाहें तो बने रह सकते हैं। महेश जी से एक सवाल ले लेती हूँ। तो महेश जी, मनमानी कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी, आप पर आरोप लगा रही है बीजेपी पर। देखिए निधि जी, 134 सीट जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल अराजक स्थिति बना दो। आप अभी कैसे, एक संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, और एक सांसद की जो है भाषा क्या ये होनी चाहिए कि एलजी साहब अपने घर पे संविधान बनाते हैं? एलजी जो है एमसीडी के प्रशासक हैं, उनके द्वारा नियुक्त जो है पीठासीन अधिकारी को ये पीठासीन अधिकारी नहीं मानते हैं, तो फिर किस चीज को मानते हो? लोकतंत्र में और संविधान में आपका विश्वास कहाँ है? 134 सीट जीतने का मतलब यह है कि ये लोग हल्ला हंगामा करते या हो हंगामा करते हुए एमसीडी जो है हाउस में घुस जाएंगे, वहां मारपीट करेंगे, क्या मतलब बनता है? महेश जी, आपकी आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि आप लोग एमसीडी पे इतने साल तक रहे, तो हमें वहां पर एक मेयर मिले, डिप्टी मेयर मिले, क्या सोच, क्या विचार, क्योंकि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो फिर कितना लंबा और खिंच जाएगा ये? लंबा क्या, दिल्ली नगर निगम का जो काम है, जो वहां का अमला जमला है, काम तो कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले 6 महीने साल भर से अगर वहां कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है या वहां उस तरह से कोई शासन नहीं है तो जो अमला जमला है वो काम नहीं कर रहा है या उसके काम से किसी तरह से प्रभावित हो रही है दिल्ली। लेकिन निश्चित रूप से कि जो एक जनता के प्रति जवाबदेही होती है वो जनप्रतिनिधि की ही होती है, और अगर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 2 बार से टला है, 3री बार आज टला है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। सवाल यह है कि अगर इनको यही लग रहा है कि संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी के को लेकर अगर कोई सवाल उठाया गया है तो एक बार पूछ ले, अटॉर्नी जनरल से पूछ ले, सोलिसिटर जनरल से पूछ ले। ठीक है, मैं एक और सवाल है कि ऐसे लोगों को बार किया जाए। संक्षेप में मैं आपसे एक और चीज पूछूं। अब ये लोग कह रहे हैं कि 3 चुनाव क्यों एक साथ करा रहे हैं, सिर्फ मेयर का चुनाव कराना था,
उनका ये कहना है, और जो मनोनीत सदस्य वो कैसे वोट कर लेंगे, ये तो उसके उस चार्टर में नहीं है। देखिए ये जो है ना हवा हवाई वाले लोग हैं, जो नया कानून बना है उसमें निधि जी स्पष्टता के साथ सारी प्रक्रिया लिखी है, सारी व्यवस्था लिखी है। ये सब अराजक लोग हैं, संविधान में इनकी कोई व्यवस्था में कोई है ही नहीं विश्वास। ये तो वो लोग हैं जो इनके मुंह में आता है, इनका मुंह में इनका नेता जो बोल दे वही वही सच्चाई होती है। ये तो खालिस्तान से भी जुड़ के भी अपने आप को कहते हैं कि ये जिक्र ना करें, ये जिक्र ना करें तो बेहतर है। बहरहाल आपने भी अपनी बात रखी तो हम नहीं, देख सकते हैं। ये एलजी को मानने से, आपके चैनल पे आके एलजी को मानने से इनकार कर दे, पीठासीन अधिकारी को मानने से इनकार कर दे एक सांसद, और हम कहें कि भाई इस देश का वो नागरिक है, संविधान में उसका कोई विश्वास नहीं है, हम ये कहें कि वो इस देश का सांसद है, क्या मतलब बनता है इसका? ठीक है, आप बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, हमने देखा बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात रखी, आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी बात रखी, लेकिन ये फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और हम देश की संसद की बात करते हैं कि देश की संसद में भी ठीक ठाक नहीं दिखा कुछ। आज संसद में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका, सरकार और विपक्ष के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले पा रहा है। एक रिपोर्ट। संसद के गांधी प्रतिमा से लेकर सदन तक हंगामा, लोकसभा राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अडानी समूह को लेकर हेडनबर्ग की रिपोर्ट पर तकरार जारी है, सदन में कामकाज ठप है। संसदीय कार्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष सदन चलने दे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराए, लेकिन विपक्ष सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं दिख रहा है। आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए तुरंत चर्चा शुरू करिए, संसद का ये समय अमूल्य समय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सरकार ने अदानी समूह को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। रेगुलेटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। रेगुलेटर सरकार से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है, उन्हें जो ठीक लगता है वो करने दिया जाता है, और बाजार के ठीक से नियमन के लिए सेबी प्रमुख संस्था है। एंड द मार्केट्स रेगुलेटेड वेल इन प्राइम कंडीशन, द सेबी इज द अथॉरिटी एंड इट हैज द वेयरविदऑल टू कीप दैट प्राइम कंडीशन। हालांकि अब संसद में जारी गतिरोध पर विपक्ष में भी फूट पड़ती दिख रही है। टीएमसी जैसे दलों ने कहा है कि अब सदन में चर्चा शुरू होनी चाहिए, कांग्रेस भी अब इसी मूड में है। We are deeply sorry, we are deeply disappointed, and we hope that... हम बहुत ज्यादा निराश हैं। हमें उम्मीद है कि जब हम कल एक और नोटिस देंगे तो वो नोटिस स्वीकार किया जाएगा ताकि चर्चा शुरू हो सके। ये सरकार की तरफ से कहना बिल्कुल गलत है कि ऑपोजिशन हाउस को चलने नहीं दे रही है, हम हाउस में चर्चा चाहते हैं। Let me repeat it. For the last time, we are not disrupting the house. We want a discussion in the house. लेकिन आम आदमी पार्टी और बीआरएस जैसे दल अब भी अपने पुराने रुख पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि सदन का बजट सत्र कैसे सुचारू रूप से चल पाता है। इस विवाद की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है, जो संसदीय परंपरा के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। इसका ध्यान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखना चाहिए। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बजट 2023 में मनरेगा, मिड डे मील जैसी बड़ी सामाजिक सेक्टर की योजनाओं के लिए आवंटन में कटौती पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आज कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख के जरिए सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे गरीबों पर प्रहार करार दिया है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। एक रिपोर्ट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, शेड्यूल ट्राइब्स, दिव्यांगजन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर। सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस लेख के जरिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बजट में मनरेगा, मिड डे मील जैसी सामाजिक सेक्टर की बड़ी योजनाओं के आवंटन में कटौती की तीखी आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा, ये गरीबों पर मोदी सरकार का एक मौन प्रहार है। मनरेगा के लिए फंडिंग को एक तिहाई कम कर दिया गया है,
जिससे वो 2018-19 के स्तर से नीचे आ गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज के मुफ्त आवंटन को मनमाने ढंग से बंद करने के बाद से गरीबों को मिलने वाला राशन आधा कर दिया गया है। स्कूलों में मिड डे मील्स के जरिए आवंटन करीब 10% तक घटा दिया गया है और अल्पसंख्यकों, विकलांगों के लिए योजनाओं का आवंटन और बुजुर्गों के लिए पेंशन भी कम किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, सरकार ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए सोच समझकर बजटीय आवंटन किया है। एक सवाल जो राजनीतिक दलों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से उठाया गया है कि कुछ जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा है, मिड डे मील स्कीम है, इसके लिए क्यों एलोकेशन घटाया गया है, गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है? So one of the reasons why on paper the MNREGA allocation is lower is because there is a much higher substantive increase in the allocation to PM Awas Yojana, particularly PM Awas Yojana Rural and the Jal Jeevan Mission. Naturally, this expanded expenditure cannot be undertaken without deploying more people. So the expectation is that the rural workers would be able to find jobs in these projects, because you, when you construct homes, you need people to construct homes. Secondly, it is also true that as we expect economic growth to be around 10.5-11% in nominal terms, that would also see some of the rural labor migrating back to urban India and finding jobs. इस बार के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी आवंटन घटाया गया है। 2022 के बजट में इसके लिए 68,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जो इस साल घटाकर 60,000 करोड़ कर दिए गए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट से काफी अयोग्य लाभार्थियों को हटाया गया है। Again, as I said, in the case of the PM Kisan, the same principle applies. It is not the allocation is cut. We are focusing on effective and efficient implementation. जाहिर है मामला सीधे गरीब जरूरतमंद लोगों के हित से जुड़ा है और इस पर बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की यात्रा के दौरान विपक्ष पर जमकर हमले किए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को वहां पर गिनाया। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। तो देश की बात में आगे हम बात करेंगे। महंगाई के कारण भले ही घर के बजट में करनी पड़ी हो कटौती, लेकिन वीआईपी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं, इजाफा ही हुआ है। तो देश की बात में अब आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के बनमालीपुर में गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ जुटी है। वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप बता दें कि जल्दी यहां पर चुनाव होने वाला है। ये रोड शो आश्रम, आपको बता दें, चौमुनहानी के मोड़ तक जाने वाला है और ये काफी भीड़ यहां पर जुट रही है। जल्द ही यहां पर चुनाव होने वाले, देश के 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो गृहमंत्री चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक में थे, वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं। तो गृहमंत्री उत्तर पूर्व के त्रिपुरा में मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। और फिलहाल इस समय ये रोड शो चल रहा है, जिस पर जहां पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है।
तो इस साल आम आदमी के बजट में बेशक कटौती हुई हो, लेकिन वीआईपी सुरक्षा के बजट में दिखाई नहीं दे रही है। हर महकमा जो इस यूनिट से जुड़ा है उसके बजट में इजाफा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। 1.5 लाख रुपए उनकी सुरक्षा पर सरकार रोज खर्च कर रही है, यानी महीने के करीब 50 लाख। सीआरपी की जो चीफ सुजाय 1000 है वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं, वो एसपीजी में खुद काम कर चुके हैं, उनसे ज्यादा वो समीपस्थ सुरक्षा के बारे में कौन जानता है। लेकिन सीआरपीएफ चूंकि कई ऐसे अधिकारियों को और कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा दे रही है, मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह वो कम आप उसको आंक सकते हैं सुरक्षा देने में, और इसलिए हमें पूरा भरोसा होना चाहिए सीआरपीएफ। वैसे वो अकेले नहीं है, सीआरपीएफ कुल मिलाकर 129 लोगों को इस तरह की सुरक्षा मुहैया करवा रही है, जिसमें से 21 के पास जेड प्लस श्रेणी की है और 26 के पास जेड कैटेगरी की। सीआरपीएफ की 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी हैं। सीआरपीएफ का इस सत्र का बजट 31,772 करोड़ है, इसमें से 774 करोड़ से ज्यादा वीआईपी सुरक्षा के लिए दिया गया है। सीआरपीएफ के बाद वीआईपी सुरक्षा में जिसे सबसे ज्यादा तैनात किया गया है वो है सीआईएसएफ। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ फिलहाल 144 लोगों को सुरक्षा देती है, जिसमें 9 जेड प्लस श्रेणी के हैं और 11 जेड के। इसके बाद आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी लगभग 70 लोगों को जेड प्लस और जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है। औसतन जेड प्लस पर 50 लाख और जेड पर 40 लाख महीने का खर्च आता है। वैसे इस साल बजट एसपीजी को भी 433 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने पर सरकार 36 करोड़ रुपया महीना खर्च करती है। वीआईपी सुरक्षा को लेकर सवाल हमेशा उठते रहे हैं कि सरकारें अक्सर कहती कुछ हैं और करती कुछ और ही हैं। जिन लोगों को वीआईपी सुरक्षा मिल रही है उनकी फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि सुरक्षा वाकई ही कुछ लोगों के लिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन इसके आड़ में आम आदमी के साथ मतभेद अगर नहीं होगा तो अच्छा होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 जजों ने शपथ ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जजों की नियुक्ति को लेकर चुनौती बरकरार रहेगी, क्योंकि 2023 में ही 9 जज रिटायर हो जाएंगे। सोमवार को आखिरकार 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर शपथ ले ली। करीब 1.5 महीने की देरी के बाद केंद्र ने इन जजों की नियुक्ति का वारंट जारी किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई, जबकि उसकी क्षमता 34 जजों की है। बाकी 2 नियुक्तियों के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट से 9 जज रिटायर हो जाएंगे। इस साल 4 जनवरी को जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायर हो चुके हैं, 14 मई को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अगले दिन 15 मई को जस्टिस एम आर शाह रिटायर हो जाएंगे। जून में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज रिटायर होंगे, 16 जून को जस्टिस के एम जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 12 दिन बाद 29 जून को जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन रिटायर होंगे। 8 जुलाई को जस्टिस कृष्ण मुरारी तो जस्टिस एस रविंदर भट्ट 20 अक्टूबर को रिटायर होंगे। वरिष्ठता में दूसरे नंबर के जज जस्टिस संजय किशन कौल 25 दिसंबर को रिटायर होंगे। जाहिर है जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की राह इतनी आसान दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रही, 5 जजों ने शपथ भी ग्रहण कर ली, लेकिन उसकी राह के कांटे अभी हटे नहीं हैं, क्योंकि उसकी कड़ी चेतावनी के बाद केंद्रीय कानून मंत्री का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में कोई किसी को धमका नहीं सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में बात मध्य प्रदेश की। दागने की कुप्रथा ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 2 दिन में 2 बच्चों की जान ले ली। मौत के बाद सरकार ने कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की, कुछ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। मुख्यमंत्री कहने की कानून सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है क्या कार्रवाई की परिधि में छोटे कर्मचारी ही आते हैं। 3 महीने की रुचिता कोल को सांस लेने में दिक्कत थी।
ठीक करने के नाम पर उसे 51 बार गर्म सलाखों से दागा गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बहुत रो रही थी, मैं बोली क्यों रो रही है, फिर कका थी कि उसकी आवाज दब गई, रात को रोई रही तो फिर यहाँ प्राइवेट में कराई दवाई तो ठीक हो, उसकी आवाज आने लग गई रही और फिर कका थी कि ठीक हो गई, फिर बहुत रोने लगी, मैं कह क्यों रो रही है, फिर चमनिया बुलाई तो बोली डाबा छुआ है आंकना पड़ेगा, मैं बोली कि आंगनबाड़ी वाली मना करी है, फिर मैं भी क्या सोचू, मैं सोची कैसे भी हो मेरी बच्ची ठीक तो हो। ढाई महीने की शुभी कोल को भी इलाज के नाम पर 24 बार दागा गया, उसकी भी मौत हो गई। निमोनिया हो गया रहा ठंडी तो कुछ लेके गए हम लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज, 2-3 दिन भर्ती रही और वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था हमको, सही मतलब सही नहीं हो रही थी तो वहाँ से हम लोग लेके गए प्राइवेट मनीष डॉक्टर के यहाँ, फिर वहीं से वहाँ भी बोल दिए कि नहीं इसको सरकारी में ले जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो लेके जा रहे थे तो खत्म हो गई बच्ची। इसके बाद प्रशासन ने सामतपुर और कोठौतिया गांव की आशा कार्यकर्ता और सहयोगी की सेवाएं समाप्त कर दी, 8 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया और एक डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। हमने सरकार से सवाल किया, क्या आशा कार्यकर्ता जिले में सबसे बड़ी चिकित्सा या प्रशासनिक अधिकारी है, क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, तो जवाब 5 सेकंड में, फिर सरकारी योजना की लंबी तारीफ। हालांकि जवाब पर विपक्ष के सवाल हैं। शेड्यूल में बच्ची को दागने से मौत हो चुकी है, आप उसके लिए कुछ करेंगे? विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहना योजना केवल महज एक योजना नहीं है, अगर बहन के खाते में पैसे जाएंगे तो उन पैसों को वो अपने परिवार के कल्याण में लगाएंगी। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो 5 दिनों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कर्ज ले लेकर सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश की भाजपा की जो सरकार है ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो न बच्चों का ख्याल रख रही है न आदिवासी भाई बहनों का ख्याल रख रही है। हम क्यों कह रहे हैं ये जवाबदेही सबकी है, बड़े स्तर की है। जवाब समझने के लिए हमारे सहयोगी विनय कठौतिया गांव गए, ये यहाँ का सामुदायिक केंद्र है, ताला जड़ा है, रंग रोगन चटक है, लेकिन अंदर व्यवस्था वेंटिलेटर पर, केवल उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ सिर्फ NM तैनात है, मंगलवार को टीका लगता है, बीमारी में भी 40 किलोमीटर दूर शहडोल जिला मुख्यालय जाना होता है, किराया 100 रुपये। हाँ जी सर, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर है और है भी तो दूर लेकर जाना पड़ता है, कहीं अमराहत, कहीं सिंहपुर तो कहीं शहडोल। जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? अमराहा, शहडोल, सिंहपुर, एक अलावा नहीं जाई कहूँ। वो का बना है, वो मैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हम यादे पार के साल हम जेठ बैसाख ले गए अपने बहू का डिलीवरी में, वो आशा कार्यकर्ता जाबे नहीं कर रहे है, मर जाई तो मर जाई, नहीं जी जाई, यदि मेरा हाल है का करी भाई। अब यहाँ सुविधा अस्पताल तो बने हैं पर माने डॉक्टर नहीं आमने देखी। शुभी सामतपुर की थी, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में रंग रोगन चल रहा है, शायद कोई हुक्मरान आने वाले हो, अंदर की हालत देखकर आप स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा लगा ले। बाकी शुभी का घर बेरंग है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला जैसी योजनाओं की हकीकत भी समझी जा सकती है। अब ईश्वर के ऊपर रहा थी, मतलब अगर सुविधा नहीं मिला तो नहीं तो कहाँ जाएंगे फिर इलाज कराने? इलाज वो शहडोल जाते हैं। आस पास गाँव में हो गया, अमराहा है, कोई सुविधा बन गया मतलब वाहन के तम रहा ले गए और फिर वह झोला छाप डॉक्टर से करवाओ थी। वास्तव में हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए शहडोल जाना पड़ता है तो सिंहपुर जाना पड़ता है, उसके लिए भी वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाती है रात में। शायद इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ग्रामीण स्वास्थ्य के आंकड़े दिए हैं उसमें मध्य प्रदेश सबसे निचली पायदान पर है, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों के तो 95% से ज्यादा पद खाली हैं। मुझे लगता था प्रशासनिक हलकों में सबसे ऊपर जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य के मामलों में CMHO होते हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। नहीं तो क्या ये मुमकिन है कि शहडोल में दो मासूम बच्चियों की मौत के बाद सबसे पहली कार्रवाई आशा कार्यकर्ता और आशा सहायिका पर होती, कुछ लोगों का तबादला किया जाता और कुछ लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता? क्या ये कार्रवाई ऊपर से नहीं होनी चाहिए थी?
शहडोल में अपने सहयोगी विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। लगातार विवादों में रहने वाली तिहाड़ जेल ने अब ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू कर दिया है। इसी ऑपरेशन के तहत जेल प्रशासन ने ना सिर्फ ढाई महीने में 380 फोन जब्त किए हैं, बल्कि 100 से ज्यादा ऐसे डार्क स्पॉट भी पहचान किए जहां पर जैमर लगे होने के बावजूद भी मोबाइल के सिग्नल आते थे। अब जेल में नई तकनीक के जरिए मोबाइल नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देश की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली इस तिहाड़ जेल के अंदर कानून तो चलता है जेल मैनुअल से, लेकिन मोबाइल नेटवर्क चलता है जुगाड़ से। जिस कैदी के पास मोबाइल के सिग्नल हैं, उसी का दबदबा है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से ही बैठकर मोबाइल फोन के जरिए 200 करोड़ रुपए की वसूली कर डाली, तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर मोबाइल से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। लेकिन अब इन मोबाइल फोन के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू हो गया है। वी हैव आइडेंटिफाइड मेनी डार्क स्पॉट्स और टेक्नोलॉजी भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है, ताकि हम उसको किस प्रकार से पूर्णतः सिग्नल फ्री बना सके, ताकि फोन है या नहीं है वो बेकार ही है आपके लिए। ट्रायल स्टेज हमने अभी किया है, पायलट प्रोजेक्ट हम अब दो जेल में शुरू करेंगे शीघ्र से शीघ्र, और मुझे उम्मीद है उसके बाद हम सब एक राहत की सांस ले पाएंगे। तिहाड़ में 16 जेल हैं और 19,800 कैदी हैं। कैदी जेल के अंदर से ही मोबाइल के जरिए रंगदारी मांगने से लेकर गैंग चलाने और हत्याओं की साजिश को अंजाम देते हैं। तिहाड़ जेल में 3 जैमर हैं, जबकि तिहाड़ जेल के अधीन मंडोली जेल में 1 जैमर है। ये पुराने 2G नेटवर्क वाले हैं और इनकी रेंज 400 मीटर तक ही है, जबकि कैदी अब 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैदी तिहाड़ में उन जगहों को खोजते हैं जहां मोबाइल के सिग्नल आते हैं, फिर वहीं से बैठकर आराम से फोन और वीडियो कॉलिंग करते हैं। तिहाड़ प्रशासन ने हाल ही में मैपिंग के जरिए जेल के अंदर ऐसे 100 से ज्यादा डार्क स्पॉट की पहचान की जहाँ मोबाइल नेटवर्क आता है। डार्क स्पॉट की पहचान करने के बाद जेलों में छापेमारी कर 2 महीने के अंदर 380 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तिहाड़ में अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे पूरी जेल में मोबाइल नेटवर्क आए ही ना और मोबाइल कॉलिंग पर रोक लग पाए। हाल फिलहाल खबरों में भी पढ़ा था कि 380 से ज्यादा मोबाइल फोन हम अपनी रेड्स इंटेलिजेंस डेवलप करके रिकवर कर पाए हैं, कर लिए हैं, और मेरा मानना है और भी होंगे। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है जो मेरा ख्याल चलती रहेगी, बिकॉज जब तक इसकी जरूरत है तब तक ही आते रहेंगे। इसको बंद करने के लिए कि हमें मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि यहाँ पे फोनों का इस्तेमाल ही ना हो सके, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना आवश्यक रहेगा और उसके बिना कोई चारा नहीं। कैदी जुराब में मोबाइल डालकर पाइप से लटका देते हैं, तो कभी वाटर टैंक और वाटर पाइप की लाइन्स में छुपा देते हैं किसी की नजर न पड़े, लिहाजा कभी मोबाइल को टॉयलेट के पीछे वाले हिस्से में फिट कर देते हैं। तिहाड़ में बॉडी स्कैनर का भी ट्रायल होगा जिससे मोबाइल या दूसरा सामान अंदर न जा पाए। आज के दौर में तिहाड़ जेल का नाम बदनाम इसलिए है क्योंकि जेल के अंदर से बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर फोन का इस्तेमाल करते हैं, अपना गिरोह चलाते हैं और फोन का इस्तेमाल कर हत्याओं को अंजाम दिलवाते हैं। अब इन फोनों पर रोक सबसे बड़ी चुनौती है जिसके लिए तिहाड़ नए कदम उठा रही है। अब देखना होगा कि क्या इन कदमों से तिहाड़ जेल में कैदियों के फोन बंद होते हैं या नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।